हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आरएन क्लासेस में। आज हम नेवी एमआर का प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं जीएस सेक्शन का। इसमें क्या होता है, 25 क्वेश्चन मैथ के होते हैं, 25 क्वेश्चन जो है जीएस से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहले क्वेश्चन में हमारे से कह रहा है कि भारतीय ध्वज में लंबाई और चौड़ाई का अनुपात होता है। ठीक है, तो जिसका ऑप्शन नंबर है ए वो क्या है, राइट है। ठीक है, और यदि वो हमारे से कहे चौड़ाई और लंबाई का तो कितना हो जाएगा, फिर 2:3। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में कितने शेर हैं। तो जो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक होता है उसमें कितने शेर होते हैं, 3। ठीक है भाई, एक तो ऐसे होता है साइड में, 2। ठीक है, और एक क्या होता है, वो बीच में होता है। तो कितने शेर होते हैं उसमें, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है कि तानसेन पुरस्कार किस राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता है। तो जो तानसेन पुरस्कार है वो किसके द्वारा दिया जाता है, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। कह रहा है कि किसने 36 बार ऑस्कर पुरस्कार जीता है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो वॉल्ट डिज्नी है उन्होंने क्या है, 36 बार ऑस्कर पुरस्कार जीता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी है। अभी रिसेंटली जो नेवी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया था कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी है। तो जिसका ऑप्शन नंबर है बी वो क्या है, राइट है। ठीक है, यानी कि जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है कि इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स के लेखक हैं। तो जो इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स है उसके जो लेखक है वे कौन है, जवाहरलाल, उसके लेखक है हमारे M.K. गांधी। यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो क्या है, राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है कि नेवी डे कब मनाया जाता है। तो जो नेवी डे है वो कब मनाया जाता है, 4 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 4 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। कह रहा है कि शहीद दिवस कब मनाया जाता है। तो जो शहीद दिवस है वो 30 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 30 जनवरी को। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका, राइट है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन क्या आता है, ILO से रिलेटेड आता है, यानी कि जो फुल फॉर्म्स होती है वहाँ से एक क्वेश्चन आता है। तो कह रहा है कि ILO का अर्थ है, यानी कि ILO की फुल फॉर्म है। ऑप्शन में है हमारे पास इंटरनेशनल लॉ एंड ऑर्डर, इंटर स्टेट लॉफुल ऑर्डिनेंस, इंडियन लीगल ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो जो इसका ऑप्शन नंबर डी है वो क्या है इसका, राइट है। यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये किसकी फुल फॉर्म है, ILO की। नोट कर लो आप इसे कॉपी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। कह रहा है कि राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कब हुआ था। तो जो राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन है, ऑप्शन में हमारे पास 1925, 1930, 1935, 1940। तो राष्ट्रमंडल खेलों का जो आयोजन है कब हुआ था, 1930 में। कब हुआ था, 1930 में। यानी ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका, राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि खो खो खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं। ऑप्शन है 11, 12, 17 और 9। तो जो खो खो खेल है इसमें कितने खिलाड़ी होते हैं, 9। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है कि विटामिन B2 का रासायनिक नाम है। तो जो विटामिन B2 है उसका रासायनिक नाम क्या होता है, राइबोफ्लेविन। और जो विटामिन B1 है उसका नाम क्या होता है, थायमिन। ठीक है, ये किसका नाम है, विटामिन B1 का। ये किसका है, B1 का। और हीमोग्लोबिन किससे रिलेटेड है, ये ब्लड से। कहाँ, किस में होता है हीमोग्लोबिन, ब्लड में। और जो डेक्सट्रोज है ये किसका रूप है, शुगर का, यानी कि जो चीनी होती है उसका रूप है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। जीका वायरस, अब वायरस तो तुम्हें पता आजकल बहुत चल रहा है, तो यानी कि ये वाला क्वेश्चन क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जीका वायरस मैं आपको बताता हूँ, जीका वायरस जो है, जीका वायरस के बारे में बात करते हैं थोड़ा सा। तो जो जीका वायरस है वो क्या है, हमारे जो मस्तिष्क होता है उसको क्या है, इफेक्ट करता है। दूसरा, किसके द्वारा होता है ये जो है, मच्छर के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, मच्छर के द्वारा होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका, राइट है। ठीक है, और जो मच्छर का नाम है उसका, मच्छर का नाम क्या है, एंडीज। क्या है, एंडीज। ठीक है, तो किसको इफेक्ट करता है, दिमाग को इफेक्ट करता है। किसके द्वारा होता है, मच्छर के। मच्छर का नाम क्या है, एंडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा पाचक एंजाइम है, निम्न में से कौन सा पाचक एंजाइम है। तो ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे, इसमें है पाचक एंजाइम नहीं है। क्या है, पाचक एंजाइम नहीं है। ठीक है, प्रिंटिंग में मिस्टेक है ये। तो जिसका ऑप्शन नंबर बी है वो क्या है इसका, राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। कह रहा है कि सर्वग्राही रुधिर वर्ग है। तो जो जिसका ऑप्शन है ए वो क्या है, राइट है। जो ए बी होता है क्या होता है, सर्वग्राही होता है। और ये क्या होता है, सर्वदाता होता है। जो ओ होता है क्या होता है, सर्वदाता। नेक्स्ट की बात करते हैं। कह रहा है कि मनुष्य में कितने क्रोमोजोम होते हैं। तो जो मनुष्य है उसमें कितने क्रोमोजोम होते हैं, 23। नेक्स्ट की बात कर रहे हैं। कह रहा है कि हीरा यानी कि जो डायमंड है वो क्या है, तत्व, यौगिक, मिश्रण या फिर वो तरल। ठीक है, तो जो कार्बन होता है हमारा C, ठीक है,
तो वो तीन रूप में पाया जाता है, एक तो पाया जाता है ये ग्रेफाइट के रूप में, ग्रेफाइट, ठीक है, दूसरा पाया जाता है ये तुम्हारा फुलरीन के रूप में, ठीक है, और तीसरा ये हीरे के रूप में, किसके रूप में पाया जाता है, हीरे के रूप में, ठीक है। तो इसके कितने, और ये तीनों क्या है, ये तत्व है, क्या है ये, तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है हमारे से ये, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि जो जल है उसका पीएच कितना होता है, तो जो जल का पीएच है वो कितना होता है, जल का पीएच होता है 7, कितना होता है 7, और जो ब्लड है यानी कि जो रक्त है, रक्त का पीएच कितना होता है 7.4, कितना होता है 7.4, और जो हमारे आंसू होते हैं, आंसू, उनका पीएच कितना होता है 7.4 होता है, ठीक है, और जो अम्ल की पीएच होती है वो क्या होती है 7 से कम होती है, और क्षार की पीएच क्या होती है 7 से ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कह रहा है कि कान्हा नेशनल पार्क स्थित है, जो कान्हा नेशनल पार्क है वो कहाँ पर स्थित है, वो बिहार में स्थित है, कहाँ पर है यानी कि मध्य प्रदेश में, कहाँ है, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी, तो जो ब्रह्म समाज की स्थापना है वो किसने की थी, राजा राममोहन राय ने की थी, और कब की थी, 1828 ईस्वी में। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब डेली क्या होगा, एक मार्क आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।